this video we'll study chapter number 1, two big states of class 7 SS textbook. So two big states are the states of Kanauj and Vatapi. दोस्तों ये दो बिग स्टेट्स हैं कनौज और वातापी. ये राजा पुलकेश टू और हर्षवर्धन की स्टोरीज बताएंगे. मुझे नहीं पता है अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा है या आपको थोड़ा जनरल नॉलेज हो, लेकिन ऑफकोर्स नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा. तो इसको हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे. आई एम श्योर यू माइट हैव हर्ड अबाउट नालंदा यूनिवर्सिटी दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो. And we'll study in detail about these two states over here. First state, Kanauj, Harshavardhan, 606 to 647 CE. So, King Harshavardhan was born 606 CE after the death of his father, Prabhakarvardhan. So, 606 CE में central era में Harshavardhan का जन्म हुआ था, King Harshavardhan का. उनके पिताजी प्रभाकरण वर्धन के मृत्यु के बाद Harshavardhan के भाई राज्यवर्धन थ्रोन पर बैठे. सो आफ्टर हिज फादर्स डेथ हिज ब्रदर राज्यवर्धन असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर. हाउएवर राज्यवर्धन वॉज किल्ड बाय द किंग ऑफ गॉड शशांक. लेकिन राज्यवर्धन को किंग ऑफ गॉड जो है शशांक ने उनको मार डाला था, उनका मर्डर कर दिया था. Their sister Rajashri was imprisoned by the king of Malwa, Devgupt. Under these circumstances, as advised by the leaders of the kingdom, Harshavardhan shouldered the responsibility of Thaneshwar, presently Punjab, Haryana. तो उनका बड़ा भाई मर गया, पिताजी मर गए, उनकी सिस्टर को उनकी सिस्टर राजश्री थी, उनको मालवा के राजा देवगुप्त ने जेल में डाल दिया था. तो इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच में जो लीडर्स थे उन्होंने अपने किंगडम संभालने की जवाबदारी हर्षवर्धन को दी, जो उन्होंने अच्छी तरह से उठाई थानेश्वर में. अभी थानेश्वर जो आप पंजाब और हरियाणा मिलकर जो एरिया कह रहा था उसको थानेश्वर कहते हैं. Immediately after his ascending the throne, he decided to free his imprisoned sister Rajashri. In the meanwhile, she had escaped from the clutches of Devgupta and ran away into the Vindhya forest. So, जब राजगद्दी पर हर्षवर्धन आए, उन्होंने तुरंत ही अपनी बहन को फ्री करने का सोचा, जेल में से बाहर निकालने का सोचा राजश्री को. लेकिन उसी वक्त राजश्री देवगुप्त के जंगल से भागकर विंध्या के फॉरेस्ट में छुप गई थी. He went into the search for his sister with the help of people living in the forest and a Buddhist hermit, Divakar Mitra. He stopped her from committing sati. So, वो अपने बहन की खोज में गया. वहाँ कुछ लोग जो जंगल में रहते थे और बुद्धिस्ट हर्मिट जो एक सादा व्यक्ति था दिवाकर मित्रा, उसकी मदद से वहाँ गए और उसने उसका अपनी बहन को सती बनने से रोका. Since Rajashri's kingdom, Kanauj, that's Uttar Pradesh, was without any king at that time, Harshavardhan became its ruler. So, राजश्री का राज्य उस वक्त किसी राजा के बगैर था कनौज उत्तर प्रदेश में. तो उस वक्त हर्षवर्धन भी उसका राजा बन गए. लेटर ही डिफीटेड देवगुप्ता एंड बिकेम किंग ऑफ मालवा. बाद में उन्होंने देवगुप्त को जो मालवा के राजा थे उसको भी हरा दिया था. As part of his preparation to launch an attack on Shashank, the god king, he formed an alliance with the king of Kampur, Assam. तो उसने जो preparation की थी कि वो शशांक राजा शशांक पर हमला करेगा जो गॉड का राजा था, गॉड GAUD. ओके, ही फॉर्म्ड एन अलायंस. वहाँ उसने कामरूप आसाम का जो राजा है भास्कर वर्मा, उसके साथ मिलकर एक अलायंस भी बनाई ताकि वो हमला कर सके. With the help of a large army, he defeated God King and won over a major part of the kingdom. तो कामरूप के राजा भास्कर वर्मा की मदद से उन्होंने एक लार्ज आर्मी बनाई और गॉड किंग को हराकर उस बड़े किंगडम का वो मेजर पार्ट उसके अंदर आ गया. ही ऑल्सो कॉन्कर्ड मालवा एंड सौराष्ट्र बट वॉज अनसक्सेसफुल इन डिफीटिंग पुलकेश टू. उसने मालवा और सौराष्ट्र पर भी अपना दबदबा रखा और वो भी जीत लिया, लेकिन पुलकेश टू को हराना उसको पॉसिबल नहीं था. किंग ऑफ चोलक्य डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया के ये चालुक्य डायनेस्टी पुलकेश टू थे उसके राजा. आफ्टर 7 सक्सेसिव विक्ट्रीज ईयर्स थानेश्वर अमर्ज एज अ लार्ज किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्ज किंगडम बना थानेश्वर 7 साल की विक्ट्रीज के बाद, सक्सेसिव विक्ट्रीज के बाद. Harshavardhan's reign and administration. Harshavardhan personally supervised the administration of his state by traveling extensively to different parts of his empire. So, अपनी supervision पूरा उनके हाथ में था, administration को खुद अच्छी तरह से निभा रहे थे. और वो कैसे कर रहे थे, वो अपने पूरे empire के हर हिस्से में वो खुद travel करने के. He divided his daily routine into 3 parts. The first was for administrative purpose, while the other 2 was devoted for public welfare and religious activities. तो अपने पूरे दिनचर्या को उन्होंने 3 भाग में डिवाइड किया था.
एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और दूसरे पब्लिक वेलफेयर और रिलीजियस एक्टिविटीज धर्म के कामों में वो टाइम स्पेंड करते थे. He was so diligent in carrying out his administrative responsibilities that at times he even forgot to have his meal. So अपनी administrative responsibilities इतनी कटिबद्धता से वो follow करने के बहुत बार अपना खाना खाना भी वो भूल जाते थे. यहाँ हर्षवर्धन की handwriting भी बताई गई है. को जाने लायक चीजें हैं. टू हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन हर्षवर्धन हैड कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी पर्थिहरा द्वारपाल जिसको बोलते हैं. फिर फॉरेन मिनिस्टर थे संघीय वर्ग्रह राजदूत थे एम्बेसिडर्स राज्य प्रजाता मंत्री महाधन धान्य का चीफ जस्टिस थे और अक्षर पत्तलिका थे जो रजिस्टर थे. तो हर किसी व्यक्ति की पोजिशन बनाई थी और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी. हम जानते हैं द्वारपाल किसको बोलते हैं, फॉरन मिनिस्टर एम्बेसिडर कौन है और चीफ जस्टिस. तो ये सारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छे चले इसलिए ये पोजीशंस उन्होंने ऑलरेडी उस जमाने में बना दी थी. इम्प्रिंट्स लेफ्ट बाय हर्षवर्धन. हर्षवर्धन में छोड़े गए उनके चिन्ह और असर. हर्षवर्धन बिल्ड मेनी रेस्ट हाउस वेल्स स्टीप वेल्स लेक्स मठास एंड विहारास एंड आल्सो प्रोहिबिटेड एनिमल स्लॉटर. हर्षवर्धन ने बहुत सारे रेस्ट हाउस वेल्स दिवाले लेक्स मठ्स और वो विहार्स भी बनाए. एनिमल स्लॉटर भी बंद कर दिया. एवरी ईयर ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट एंड एवरी फाइव ईयर्स ही ऑर्गेनाइज अ ह्यूज रिलीजियस कॉन्ग्रोमेट एट प्रयाग. सो हर साल वो एक बुद्धिस्ट रिलीजियस मीट भी सेलिब्रेट करने के और प्रयाग में एक बड़ा रिलीजियस मीट हर 5 साल में वो सेलिब्रेट करने के. There he would donate generously till the entire treasury was empty and would even give away the ornaments he would be wearing at that time. So वहाँ वो donations बहुत करने के जब तक पूरी तिजोरी खाली नहीं हो जाने की और उन्होंने पहले हुए जो गहने थे वो भी वो दे देते थे. The great Sanskrit poet and writer Bhanubhatta adopted his quote. तो Bhanubhatta संस्कृत राइटर जो थे उन्होंने भी उसके quote को accept किया था. His famous works Harshcharitra and Kadambari are famous even today. We came to know about many important aspects of Harshavardhan's reign from the Harshcharitra. King Harsha himself was a good writer and wrote 3 plays, Nagananda, Ratnavalli and Priyadarshika. So uska kaam bahut hi famous tha, writing bahut famous thi. Harshcharitra aur Kadambari naam ke bade bade lekh unhe likhe the. Aaj bhi unko yaad kiya jata hai aur unke jeevan ke bare mein हर्षवर्धन के जीवन के बारे में हर्षचरित्र से बहुत सारी जानकारी भी मिली है हमको. उन्होंने 3 प्लेस 3 नाटक भी लिखे थे नागानंदा रत्नावली और प्रियदर्शिका के नाम के. एम्परर हर्षवर्धन एम्पायर नालंदा यूनिवर्सिटी. King Harsha extended all possible accessions to Acharya Shibhadra and made Nalanda into a world famous university. तो आचार्य श्रीभद्रा को पूरी उन्होंने सहायता दी और नालंदा को विश्व फेमस यूनिवर्सिटी भी बना दिया, विश्वविद्यालय बना दिया. द यूनिवर्सिटी हैज एक्सेस टू द रेवेन्यूज ऑफ 100 villages गिवन टू देम बाय किंग हर्षा फॉर इट्स अपकीप एंड मेंटेनेंस. तो यूनिवर्सिटी अच्छे से चले, उसका खर्चा अच्छे से निकले, इसलिए आजू बाजू के 100 गाँवों से आता हुआ पैसा उस यूनिवर्सिटी को पहुँचने का ताकि उसको पर्याप्त धन मिल जाए अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट करने के लिए. Renowned chemist Acharya Nagarjuna, who proved that iron and arsenic and mercury ashes could be used for as medicine, also belonged to the Nalanda University. Famous chemist जो थे आचार्य नागार्जुन, वो उन्होंने जिन्होंने प्रूव किया था कि आयरन आर्सेनिक और मर्क्यूरी के ashes को यूज कर सकते हैं मेडिसिन की तरह से, वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी को ही बिलोंग करते थे. Students had to clear entrance exam for the admission into Nalanda University. Free education, lodging, boarding were provided in Nalanda University. An extensive library of Nalanda University was known as Dharma Ganja. तो स्टूडेंट्स को नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए उस समय में भी एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था. उनको खाना रहना और एजुकेशन फ्री मिलता था और वहाँ की लाइब्रेरी का नाम धर्म गंज था. Life of the people. Information about the reign of King Harsha is available from the writings of Chinese traveler Hen Tsuang. Towns and villages of that time were fortified and had huge gateways at their entrance. तो हर्षवर्धन के लाइफ के लोग जीवन के काल के बारे में जैसे लोग रहते थे उसके डिटेल हमको एक चाइनीज राइटर जो थे हुएन सांग उनके वहाँ से मिलती है. वहाँ के गांव और विलेजेस जो छोटे छोटे कस्बे थे वो फोर्टिफाइड थे, प्रोटेक्टेड थे. वहाँ के एंट्रेंस पे भी बड़े बड़े दरवाजे गेटवेज थे. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 4 ग्रुप्स वाइल दी पर्दा सिस्टम एंड दी इंटरकास्ट मैरिजेज वर नॉट रिलेवेंट एट दैट टाइम. द कस्टम ऑफ सती चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगैमी हैड स्टार्टेड बाय दैट टाइम.
तो पर्दा सिस्टम और इंटरकास्ट मैरिज वो टाइम पे तो नहीं थी, लेकिन सती, चाइल्ड मैरिज और पॉलीगैमी उस टाइम पर जरूर थी। द लोकल डाइट कंसिस्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। दे वर क्लीन, सिंपल एंड वाइट क्लोथ्स। मेन वोर धोतीज एंड वुमेन वोर सारीज। तो लोगों का खाना एकदम सिंपल था, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाया करने के। कपड़े एकदम सिंपल थे, वाइट कलर के, आदमी धोती पहनने के और औरतें सारीज पहनने के पहना करती थी। देयर ऑर्नामेंट्स, रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स एंड नेकलेसेस वर मेड फ्रॉम फ्लावर। चेस एंड गेम्स ऑफ डाइस वर पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एक्रोबैट्स एंड कॉन्जोरर्स वंडर्ड फ्रॉम विलेज टू एंटरटेन पीपल। तो उनके ऑर्नामेंट्स जो थे गहने थे, वो रिंग्स, बैंगल्स, ब्रेसलेट्स और नेकलेस जो थी वो फ्लावर की बनी हुई थी। चेस और डाइस गेम्स की भी बहुत पॉपुलर था उस टाइम में। और करतब दिखाने वाले और वो जो नौटंकी करने वाले लोग गाँव से गाँव ट्रैवल करने के लोगों को एंटरटेन करने के लिए। Farming and animal husbandry were the main occupation of the people. Land revenue was 1/6 of the production. Internal and international trade were carried out by the Vaishyas. So farming or animal husbandry वहाँ के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण काम था, खेती और जानवरों को ध्यान देना। Revenue 1/6 production land से ही आता था और internal trade और international trade जो Vaishyas थे उनकी जवाबदारी थी। A highway from Patliputra to Bhrugu Kutch Bharuj port was built by the state for trade and transportation of goods. तो goods के आने जाने के लिए Patliputra से लेके Bharuj तक, Kutch, Bhrugu Kutch बोलते हैं उसको, वहाँ तक highway बनाया गया था goods के आने जाने के लिए port तक। Gold and silver coins was used for commercial transactions. Ornaments, statues, ivory and carved wooden pieces were exported. So, सोने के और चांदी के सिक्के करेंसी में यूज करते थे ट्रांजेक्शन के लिए। ऑर्नामेंट्स थे, स्टैचूज थे, आइवरी और कार्व वुडन पीस को एक्सपोर्ट किया जाता था। द एक्सपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स फ्रॉम इंडिया इंक्रीज हियर हर प्रॉस्पेरिटी। सो हर्षवर्धन के राज की प्रॉस्पेरिटी और भारत की प्रॉस्पेरिटी उसके एक्सपोर्ट्स की वजह से बहुत बढ़ गई। ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हर्ष इंडिया हैड गुड बिजनेस रिलेशनशिप्स विद रोम विच लेड टू द इनफ्लो ऑफ गोल्ड इन इंडिया। तो भारत के व्यापारी संबंध रोम के साथ भी अच्छे थे, उसके वजह से हम जो एक्सपोर्ट करने के उसके पैसे हमको गोल्ड के दौर में इंडिया में बहुत आए। तो गोल्ड इंडिया में बहुत उस वक्त आया था। पीपल फॉलोड हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बट वर टॉलरेंट टूवर्ड्स अदर रिलीजन्स। तो लोगों यहाँ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म फॉलो करने के और बाकी जाति को भी वो यहाँ रहने देने के। तो आगे ये जो स्वैंग हुएंग स्वैंग है और इंडिया का रूट है जो उन्होंने ट्रैवल किया उसका फोटो बताया गया है। हुएंग स्वैंग 629 से 649 CE द चाइनीज ट्रैवलर हुएंग स्वैंग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्ष रेन एंड स्टडीड बुद्धिज्म एट नालंदा फॉर फाइव ईयर्स। चाइनीज ट्रैवलर हुएंग स्वैंग इंडिया में विजिट किए और उन्होंने बुद्धिज्म नालंदा यूनिवर्सिटी में रहकर 5 साल तक की। Things to be known, Hueng Sang stayed in India for 15 years and visited different places. He had described the social, political and religious conditions of that time. तो 15 साल वो यहाँ रहे और सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन उन्होंने डिस्क्राइब किया था। इन 645 CE ही रिटर्न टू चाइना वाया सेंट्रल एशिया एंड टुक हिम विद हिमसेल्फ मेनी बुक्स, रिलिक्स एंड स्टैचूज। सेंट्रल एशिया से होते हुए जब वो चाइना वापस गए तो अपने साथ बहुत सारी बुक्स, रिलीजियस स्टैचूज भी लेके गए और उन्होंने यहाँ 6th Buddhist Religion Congregation प्रयाग में भी अटेंड किया था। ही अटेंडेड द 6th Buddhist Religious Congregation और प्रयाग। ही हैड नोटेड दैट, तो यहाँ उन्होंने क्या क्या नोट किया था। There were about 109 Buddhist मठ in Harsha's kingdom. 109 Buddhist मठ थे हर्षा के किंगडम में। People lived in a simple, vicious and peaceful life based on the living by the rules of good. सादी और सिंपल शांतिप्रिय जिंदगी यहाँ लोग जीते थे। मॉरल कंडक्ट एंड जस्टिस, चीटिंग एंड ब्रीचिंग ऑफ प्रॉमिस वर कंसिडर्ड सिनफुल। तो मॉरल और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जिंदगी जीते थे, लेकिन चीटिंग करना, किसी को दगा देना उनके लिए पाप माना जाता था। दूसरा स्टेट है वातापी। व्हेन किंग हर्ष वॉज रूलिंग ओवर द एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, किंग पुलकेश टू was ruling the South India. He earlier had defeated Harsha. So, जब North India में King Harsh अपना empire चला रहे थे, King Pulkeshi II South India में थे और उन्होंने King Harsh को भी एक बार हराया था। Route to the throne, तो throne तक कैसे पहुँचे Pulkeshi II?
The kings of Chalukya and Solanki dynasty established a vast empire in South India, which had ruled from their capital at Vatapi, Badami, Karnataka. So, Chalukya dynasty के जो राजा थे Solanki dynasty के, उनका एक बड़ा vast empire South India में था, जो capital था उनका Vatapi, जो Badami, Karnataka में आज है. Pulkeshi I, a great king of the Chalukya dynasty, performed the Ashwamedh Yagna. Pulkeshi I ने Ashwamedh Yagna भी किया था. His flag had the symbol of Varaha Avatar. उसके झंडे पर वराह अवतार का चिन्ह था. His son Kirtivarma ascended the throne after him. He was succeeded by his brother Mangalesh, who built the Grand Vishnu Temple at Vatapi. तो Pulkeshi I के बाद उसके लड़के Kirtivarma ने थ्रोन पे आए और उसने राजगद्दी संभाली. उसके बाद उसके भाई Mangalesh ने संभाली, जिसने विष्णु टेम्पल भी Vatapi में बनाया. After him, the righteous Pulkeshi II became the king and ruled over the empire for about 30 years. उसके बाद सही राजा Pulkeshi II वहां आए और उन्होंने 30 साल तक अपने साम्राज्य को संभाला. Pulkeshi II 610 to 642 CE. Pulkeshi II के बारे में आप देखते हैं. Pulkeshi was the valiant king who won many battles. His first victory was Lat, South Gujarat, followed by the win over Gurjar, North Gujarat. तो बहुत ही शूरवीर राजा थे. उनके पहली विक्ट्री थी लात साउथ गुजरात में और दूसरी उन्होंने गुर्जर पे अपना कब्जा किया था. ही गेन कंट्रोल ओवर द वेंगी रीजन दैट ले बिटवीन द रिवर्स ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी एंड ऑल्सो एक्वायर्ड आंध्र प्रदेश. तो उन्होंने अपना कंट्रोल वेंगी रीजन पे भी किया जो कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के बीच में था, जो आंध्र प्रदेश में था. पूरा आंध्र प्रदेश उनके अंडर था. ही ट्रांसफॉर्म द कैपिटल Vatapi इंटू द सिटी ऑफ मैग्निफिशेंस एंड स्प्लेंडर. तो उन्होंने अपनी सिटी को एकदम विशाल और भव्य बना दिया था उस समय. Armies of Harshavardhan and Pulkeshi II fought a great battle near the river Narmada, in which the former defeated. This halted Harsh's expansion towards the South India, and so the empire of Kanauj could not extend beyond Narmada. So Harshavardhan और Pulkeshi II में बहुत बड़ा जंग हुआ नर्मदा के आसपास. वहाँ Harshavardhan की हार हुई. इसकी वजह से Harshavardhan अपना किंगडम साउथ इंडिया में आगे नहीं ले पाए और वो कनौज तक ही सीमित रह गए और नर्मदा के इस पार नहीं आ पाए. Pulkeshi II was not only a great warrior but also a love of आर्ट्स. सिर्फ एक ग्रेट वॉरियर ही नहीं थे Pulkeshi II, लेकिन उनको आर्ट्स भी बहुत पसंद थे. The caves of Vatapi and Dharapuri were built during his reign. The famous cave murals of Ajanta were painted in that time. Vatapi और Dharapuri की भी caves उसी time पे बने थे और the cave murals जो Ajanta के हैं उसका painting भी उसी time पे हुआ था. In his travel, Huynh-Sang visited the court of Pulkeshi II and has given a vivid account of his grandeur. तो अपने travel के time पे Huynh-Sang ने Pulkeshi II के दरबार का भी attendance के time के जो अपनी हाजिरी थी के बारे में सारे डिटेल्स बताए गए हैं. The kings of Chalukya dynasty were followers of Hinduism. During this time, Buddhism went into decline while the Digambar Jain sect gained popularity. So, Chalukya dynasty के राजा Hinduism को follow करते थे. इसी समय पर Buddhism थोड़ा decline हो गया था और Digambar जो Jain sect था वो थोड़ा prosper हो रहा था, समृद्ध हो रहा था, फैल रहा था. Harshavardhan and Pulkeshi II were contemporary rulers. However, Harsh fought fewer battles as compared to Pulkeshi, who continued waging wars. Pulkeshi और Harshavardhan एकदम कंटेम्प्रेरी राजा, जोरदार राजा थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे लड़ाई भी रही, लेकिन हर्ष ने कम लड़ी थी. Pulkeshi हमेशा जंग ही लड़ते रहे थे. He finally met his end in 642 CE in the conflict with the Pallava king in Kanchipuram. King Harshavardhan died five years after him. So Pulkeshi II 664 में पल्लवा के राजा कांचीपुरम के जो थे उनके साथ युद्ध में मर गए और उसके 5 साल बाद Harshavardhan भी वहाँ खत्म हो गए थे, उनकी भी मृत्यु आ गई थी. तो दोस्तों, दीज आर द टू बिग स्टेट्स दैट द चैप्टर वांट्स टू टेल अस. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ रिविजिट द वीडियो इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्लैरिफिकेशंस. दोस्तों, ये दो स्टेट्स थे, Vatapi और कांचीपुरम. आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया हो. अगर कुछ डाउट्स हो तो वीडियो फिर से प्ले ज़रूर कीजिएगा. Thank you and have a nice day. Do remember to like, subscribe and share my channel. मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ये वीडियो को. Thank you. Bye.